गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण गोस्वामी, एम एस सी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन टूडेज क्लास वी विल सी अबाउट दी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इट इज PDD। ओके, सो फर्स्टली सी दैट वॉट इज दैट। अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम मार्क्ड बाय सीवियर डेवलपमेंटल डिलेज इन सेवरल एरियाज दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू मेंटल रिटार्डेशन। ओके, मीन्स परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इट्स नॉट अ मेंटल रिटार्डेशन। इसमें कुछ कुछ चाइल्ड के एरियाज रहते हैं जिसमें चाइल्ड क्या रहता है, इम्पेयरमेंट पाया जाता है चाइल्ड में। जैसे कि चाइल्ड का सोशल स्किल है, कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, बिहेवियर है, पर्सनालिटी है, तो ऐसे ऐसे कुछ एरियाज हैं वहाँ द चाइल्ड इज हैविंग इम्पेयरमेंट। ओके, देन डेवलपमेंटल डिले चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज आउटसाइड द नॉर्म इंक्लूडिंग डिले सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, पेकुलियर मैनरिज्म एंड आइडियोसिनकेट्रिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो चाइल्ड का जो एरियाज है उसमें क्या है, इम्पेयरमेंट है। लाइक कौन कौन सा हो सकता है, डिले सोशलाइजेशन, चाइल्ड दूसरों के साथ अच्छे से क्या करते हैं, सोशलाइज नहीं हो पाते, दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हियर लैंग्वेज प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर। ओके, पेकुलियर मैनरिज्म दैट मीन्स स्ट्रेंज रहता है, एंड आइडियोक्रेस्टिक इंटरेस्ट, इट इज सेम मीन्स द पेशेंट द चाइल्ड विल बी बिहेव स्ट्रेंज। ठीक है, हमेशा वो अजनबियों की तरह बिहेव करता है, हमेशा कुछ भी उसको बोलेंगे तो वो क्या होता है, चौंक जाता है, शॉक में आ जाता है, तो ऐसे बिहेव वो शो करता है। ठीक है, एंड द चाइल्ड कैन ऑल्सो नॉट सोशलाइज और कम्युनिकेट टू दी अदर पर्सन बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन डेफिशियंसी और लैंग्वेज डिफिकल्टी। ओके, सो दिस इज अबाउट दी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हियर इट इज़ नॉट अ मेंटल रिटार्डेशन, द चिल्ड्रन और द चाइल्ड विल हैविंग सम एरियाज ऑफ डिफिशियंसी और डिफिकल्टी लाइक सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, लाइक दैट डिफिकल्टी और डिफिशियंसी द चाइल्ड इज हैविंग। ओके, द नेक्स्ट इज हियर मैनी टाइप्स आर देयर ना इन परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो फर्स्ट टाइप इट इज़ ऑटिज्म, एंड सेकेंड टाइप वी विल सी इट इज एस्पर्गर सिंड्रोम और डिसऑर्डर, देन थर्ड वी विल सी अबाउट दी रेट्स डिसऑर्डर, एंड लास्ट वी विल सी अबाउट दी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ओके, फर्स्ट वी विल सी ऑटिज्म, देन एस्पर्गर सिंड्रोम, देन रेट्स डिसऑर्डर, एंड लास्ट इज परवेसिव डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो हम लोग चार डिसऑर्डर इसमें पढ़ेंगे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। ओके, सो फर्स्ट इज ऑटिज्म, व्हाट इज दैट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, इन शॉर्ट नोट्स ऑल्सो ओनली द ऑटिज्म इज ऑल्सो कम्स। ओके, सो यू हैव टू सी दैट ऑटिज्म ऑल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म को ये और क्या बोला जाता है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, द चिल्ड्रन हैविंग दी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, इट इज़ करेक्टराइज बाय सीवियर प्रॉब्लम इन थ्री मेन एरियाज। ठीक है, दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, द चिल्ड्रन इज हैविंग थ्री मेन एरियाज ऑफ डिफिकल्टी और डिफिशियंसी। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होते हैं, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, सेकेंड इज बिहेवियर, एंड थर्ड इज वॉट, सोशल स्किल। द चिल्ड्रन इज हैविंग डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सोशल स्किल, दिस थ्री थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर इन द ऑटिज्म। ओके, इज क्लासिफाइड एज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, अकर्स मोस्टली इन मेल्स, द रेशियो इज अबाउट 4:1। मतलब कि ऑटिज्म ऑटिस्टिक डिसऑर्डर मेनली किस में होता है, मेल्स में होता है, मतलब चार में से किसी भी एक गर्ल्स को होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर किस में होता है, मेल्स में होता है। ओके, देन टिपिकली मैनिफेस्ट अराउंड द एजेस ऑफ 18 to 3 years। ठीक है, अप टू 3-4 years तक होता है, इट स्टार्ट्स अप टू द 18 or 2 years एंड गोज थ्रू द 3 or 4 years। ठीक मीन्स, सो दिस इज अबाउट द ऑटिज्म, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट मेनली अकर्स इन मेल, रेशियो कितना है 4:1, एंड द चाइल्ड इज हैविंग थ्री मेन एरियाज ऑफ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, सेकेंड इज बिहेवियर, एंड थर्ड इज वॉट, सोशल स्किल। ओके, सो वी विल सी अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स सिम्टम्स देखते हैं चाइल्ड का। ठीक है, मैं जैसे कि पहले ही बताई हूँ थ्री मेन एरियाज में डिफिकल्टी है ना, फर्स्ट इज सोशल स्किल, सेकेंड इज वॉट, कम्युनिकेशन, एंड थर्ड इज दी बिहेवियर। ओके, तो तीन मेन एरियाज में प्रॉब्लम है, तो वो अपन देखते हैं वन बाई वन। फर्स्ट इज वॉट, सोशल स्किल, इन दैट
लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है, इसमें चाइल्ड क्या रहता है, अवेयर नहीं रहता है सराउंडिंग्स के बीच में, मतलब कि चाइल्ड खुद अपने में ही बिजी रहता है, ठीक है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लोग उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो कुछ भी ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ अपने ही में ही लगा रहता है, ओके। सीवियर इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू रिलेट अदर्स, ठीक है, रिलेट करने में भी उसको क्या रहता है, एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाते, रिलेट नहीं कर पाते, ओके। देन अलूफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, ठीक है, अलूफ दैट मीन्स वो हमेशा लोनली रहेगा, ठीक है, अकेले रहना पसंद करेगा, हमेशा दूसरों से डिस्टेंस या दूरी बना के रखता है, ठीक है। अपीयर्स नॉट लिसन व्हेन स्पोकन टू, मीन्स जब हम लोग उससे बात करना चाहते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, तो वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो हमें सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वो खुद अपने में ही खोए रहते हैं ना। देन फेल्स टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन टू स्पेसिफिक ओकेशन, अब उनसे कुछ बात कर भी रहे हैं तो क्या करता है, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन तक नहीं देता, बात करना तो दूर की बात है, ठीक है, वो हमको ध्यान भी नहीं देता, आई कॉन्टेक्ट भी मेंटेन नहीं करेगा, नहीं कोई फेशियल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, ओके। देन अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, देन डिफ़िकल्टी विथ चेंजेस इन इन्वायरमेंट एंड रूटीन्स, मीन्स जो रूटीन्स चल रहा है, जो रूटीन फॉलो कर रहा है, वो उसी रूटीन को फॉलो करेगा, कहीं भी चेंजेस अपने एक्टिविटीज़ में नहीं करता, वो अपने आप में ही क्या रहता है, रिस्ट्रिक्ट रहता है, ओके। देन डज नॉट सीक अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट विथ अदर्स, मीन्स हमेशा अकेला रहेगा, अलूफ रहेगा, दूसरों से सोशलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है, इंटरेक्ट नहीं करता है। देन अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू इंगेज इन कोऑपरेटिव प्ले, ठीक है, मीन्स जैसे कि बताई थी, अलूफ रहता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है, इसलिए कोऑपरेटिव प्ले मतलब दूसरे प्लेमेट्स के साथ या पीयर ग्रुप्स के साथ वो नहीं खेलता है, अकेले ही रहना पसंद करता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट दी सोशल स्किल्स ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ भी डिफिकल्टी है ना, ठीक है, डिफिकल्टीज इन यूजिंग द अंडरस्टैंडिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है, चाइल्ड जो रहता है ऑटिस्टिक चाइल्ड, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। फेलियर टू इनिशिएट और सस्टेन कन्वर्सेशनल इंटरचेंज, ठीक है, मीन्स कन्वर्सेशन में जो चेंजेस आती हैं उसको भी बच्चा क्या करता है, समझ नहीं पाता है। देन एबनॉर्मलिटीज इन दी पिच, स्ट्रेस रेट, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ स्पीच, ठीक है, अब नॉर्मलिटीज़ यहाँ भी है, पिच भी नहीं समझ पाता है, स्ट्रेस रेट नहीं समझ पाता है, रेट लो हाई, रिदम नहीं समझ पाता है चाइल्ड, एंड इंटोनेशन ऑफ स्पीच, ठीक है, टोन जो रहता है ना स्पीच का, वो भी नहीं समझ पाता। देन पुअर रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल, मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और न ही किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलाई को रिसीव करता है ना। देन मतलब सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा होगा उसको ध्यान नहीं देता है, रिसीव नहीं करता है सराउंडिंग्स को। देन मे इको वर्ड्स, देन इको ले लिया स्पीच, ठीक है, मतलब रिपीटिटी ऑफ वर्ड्स रहता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड किसी भी एक वर्ड को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। देन सो इको ले लिया इज प्रेजेंट इन दैट चिल्ड्रन, ओके। मे यूज स्क्रीमिंग, क्राइंग, टेंट्रम्स, एग्रेसिव एंड सेल्फ अब्यूज एज वेज टू कम्युनिकेट, मीन्स ऐसे बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीमिंग सो करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्राई करते हैं, बहुत रोते हैं, ठीक है, टेंट्रम, टेम्पर टेंट्रम दैट मीन्स चिड़चिड़ाते रहते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा गुस्सा शो करते हैं, वायलेंट रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, सेल्फ अब्यूज एज वेज टू कम्युनिकेट, ठीक है, और क्या रहते हैं, सेल्फ अब्यूजिव भी रहते हैं, ओके। देन रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेज इन प्लेस ऑफ नॉर्मल रिस्पॉन्सिव लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज डिफिकल्टी है, और मेनली इसमें क्या देख रहे हैं अपन, इको ले लिया प्रेजेंट है, बच्चा बार बार क्या करते हैं, किसी वर्ड को क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है, ओके। सो दिस ऑल आर अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में अपन क्या देख रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल जो स्पीच रहता है उसको बच्चा सीख नहीं पाता है, ठीक है, कन्वर्सेशन इंटरचेंज रहता है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, रेट रिदम पिच स्ट्रेस टोन ये सब को नहीं जान पाता है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, सराउंडिंग को भी रिसीव नहीं करता, ही को ले लिया इज प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, द पेशेंट ऑलवेज क्राई, सो टेंपर टेंड्रम, एग्रेसिव बिहेवियर, सेल्फ अब्यूजिव बिहेवियर, ठीक है, और किसी एक वर्ड को क्या करता रहता है, बार बार रिपीट करता है। So these all are about the communication skills of autistic children, ठीक है, ये सारे चीज़ communication characteristics वो show करता है, ठीक है। The next is behavior skill, अब behavior में क्या क्या impairment होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। First is unusual and repetitive movements of the body that interfere with the ability to attain the task
और एक्टिविटीज़ सच एज हैंड फ्लैपिंग, फिंगर फ्लिकिंग, रॉकिंग, हैंड क्लैपिंग, ग्रिमेसिंग और आई गेजिंग। ओके, बिहेवियर स्किल में क्या करता है जो चाइल्ड रहता है, ठीक है, किस एक बिहेवियर को, किसी एक एक्टिविटी को बार बार क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है और उसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ करता है लाइक हैंड फ्लैपिंग, ठीक है, हाथ में चुटकी जो बजाते हैं वैसा, ठीक है, हैंड फ्लैपिंग, देन फिंगर प्रिकिंग, देन रॉकिंग, ये वैसी है ना, फ्लैप करना, चुटकी बजाना, फ्लिक करना। ओके, रॉकिंग दैट मीन्स हाथ को मोड़ना, घुमाना, रगड़ना। देन हैंड क्लैपिंग, बार बार हाथ से ताली बजाते हैं। ग्रिमेसिंग मतलब फेशियल एक्सप्रेशन बनाना। देन आई गेजिंग, आई गेजिंग दैट मीन्स एक टक देखना। ओके, सो दीज ऑल आर सम बिहेवियर दैट द चाइल्ड शो। देन नेक्स्ट इज मार्क डिस्ट्रेस ओवर चेंज इन सिमिंगली ट्राइवल एसेप्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, मीन्स इन्वायरमेंटल के थ्रू, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस रहता है उसको कोई चेंजेस शो नहीं करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लॉफिंग, क्राइंग और शोइंग डिस्ट्रेस फॉर रीजन्स नॉट अपेरेंट टू अदर्स, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में चाइल्ड हंसता है जहाँ उसको हंसना नहीं चाहिए, ऐसे सिचुएशन में रोता है जहाँ उसको रोना नहीं चाहिए, ठीक है। मीन्स अपोजिट सिचुएशन में वो अपोजिट बिहेवियर शो करता है, ठीक। अनरीजनेबल इंसिस्टेंस ऑन फॉलोइंग रूटीन्स इन प्रिसाइज डिटेल, ठीक है, वो किसी भी एक्टिविटीज़ को एकदम ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, रूटीन्स फॉलो नहीं करता। ओके, सो दीज ऑल सम बिहेवियरल स्किल ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट वी विल से अबाउट द डायग्नोसिस। इन दैट यू कैन सी द डायग्नोसिस बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिस कम्युनिकेशन है, सोशल और बिहेवियरल स्किल है ना, उसके थ्रू भी अपन डायग्नोसिस बना सकते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का। एंड टू मोर थिंग्स आर देयर, फर्स्ट इज डिलेज और एबनॉर्मल फंक्शनिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विथ ऑनसेट प्रियर टू द थ्री इयर्स, ठीक है। मीन्स ये जो थ्री सिम्टम्स दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से एटलीस्ट वन भी अगर 3 years तक रहता है, देन द चाइल्ड विल बी हैविंग ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर। सो फर्स्ट इज व्हाट, सोशल स्किल इंट्रैक्शन, मतलब सोशलाइज चिल्ड्रन अगर नहीं हो पाएगा तो, देन लैंग्वेज एंड यूज्ड इन सोशल कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेट चिल्ड्रन अगर नहीं कर पाता है तो, देन नेक्स्ट इज सिम्बॉलिक और इमेजिनेटिव प्ले, मीन्स अकेले रहना। ओके, सो इन तीनों में से अगर एक भी सिम्टम 3 years तक प्रेजेंट रहेगा, देन द चाइल्ड विल हैविंग द ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। एंड सेकेंड इज व्हाट, द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर अकाउंटेड बाय रेड्स डिसऑर्डर और चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें सिर्फ चाइल्ड ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से सफ़र करते रहता है, इसमें कोई अदर कोई चाइल्डहुड डिसऑर्डर प्रेजेंट चाइल्ड में नहीं रहता है। ओके, सो दीज ऑल टू डायग्नोसिस क्राइटेरिया। द नेक्स्ट वी विल से अबाउट दी ट्रीटमेंट्स एंड एजुकेशनल स्ट्रेटजीज। ओके, इन दैट सम थेरेपीज आर देयर। ओके, फर्स्ट इज दी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेकेंड इज फिजिकल थेरेपी, देन नेक्स्ट इज बिहेवियरल थेरेपी, देन नेक्स्ट इज सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, प्ले थेरेपी, सोशल स्टोरीज, देन नेक्स्ट इज स्पीच थेरेपी, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज PECS, दैट वी विल सी वन बाई वन। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हेल्प्स इम्प्रूव्स इंडिपेंडेंट फंक्शन एंड टीचेस बेसिक स्किल्स, बटनिंग अ शर्ट, बाथिंग। ओके, ऑटिस्टिक जो चाइल्ड रहते हैं उनको हम लोग कुछ कुछ छोटे छोटे ऑक्यूपेशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं जो वो करने के लिए एबल हों, लाइक बटनिंग अ शर्ट, ठीक है, बाथिंग, मीन्स सेल्फ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना उनको सिखा सकते हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन वो कर सकते हैं, और कुछ कुछ छोटे छोटे काम जैसे कि शर्ट में बटन लगाना। ओके, देन नेक्स्ट इज फिजिकल थेरेपी, इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्सरसाइज एंड अदर फिजिकल मेजर्स, जैसे कि हम लोग वहाँ सेंद्री में करवाते थे, ठीक है, पेशेंट से, वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA, यूजेस केयरफुल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और प्रमोशन, ठीक है, प्रोमोटिंग, मीन्स अगर चाइल्ड कुछ अच्छा बिहेव करता है तो हम लोग उसको क्या देंगे, पॉजिटिवली रिइंफोर्समेंट, दैट मीन्स अगर चाइल्ड गुड बिहेव करता है तो उसको रिइंफोर्स करेंगे, जैसे कि अगर कुछ अच्छा काम किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी गुड, आपने अच्छा किया, तो उससे जो पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा पेशेंट का वो क्या होता है, प्रोमोट होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन दैट फोकस इन हेल्पिंग ऑटिस्टिक पेशेंट्स कोप अप विद सेंसरी स्टिमुलेशन। ओके,
मीन्स ऑटिस्टिक चिल्ड्रन क्या रहते हैं, अपने सराउंडिंग्स के लिए अवेयर नहीं रहते हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो खुद अपने में ही खोए रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के सेंसरी स्टिमुलेशन पे ध्यान देना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिससे सराउंडिंग्स से बच्चे क्या हो सके, अवेयर हो सके। ओके, द नेक्स्ट इज प्ले थेरेपी, दैट यू नो ऑल व्हाट इज़ प्ले थेरेपी। द नेक्स्ट इज सोशल स्टोरीज ऑल्सो बी यूज टू इम्प्रूव द अनडेवलप्ड सोशल स्किल, ठीक है। सोशल स्टोरीज हम लोग क्यों बताएंगे बच्चे को, ताकि उसका सोशल स्किल क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, देन द चाइल्ड कैन कम्युनिकेट विद द अदर चिल्ड्रन। ओके, द नेक्स्ट इज स्पीच थेरेपी, मे बी यूज टू हेल्प पेशेंट गेन द एबिलिटी टू स्पीक। यहाँ पे कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डिफ़िकल्टी भी है ना चाइल्ड में, इसलिए हम लोग स्पीच थेरेपी उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चा दूसरों से क्या हो सके, अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। देन पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज़ PECS, इनेबल ऑटिस्टिक पेशेंट टू कम्युनिकेट यूजिंग पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट आइडियाज़ एक्टिविटीज़ और आइटम्स, ठीक है। बच्चे को एबल बनाना है, बच्चे को ये पिक्चर्स प्रोवाइड करना है और उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलना है कि व्हाट द पिक्चर इज शोइंग। ओके, सो उससे क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल बच्चे का क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, ठीक। सो दीज ऑल आर सम थेरेपीज। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द नर्सिंग केयर, दैट यू हैव टू सी। ओके, देन नेक्स्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन, विटामिन बी, मैग्नीशियम एंड कोल्ड लीवर ऑयल सप्लीमेंट्स विच कंटेन्स विटामिन ए एंड डी, ठीक है। क्या क्या देना है अपन को बच्चे को, विटामिन बी देना है, मैग्नीशियम दे सकते हैं, कॉड लीवर ऑयल दैट मीन्स मछली का तेल, ओके, देन विच कंटेन्स विटामिन ए एंड डी, ठीक है। वो जो कॉड लीवर ऑयल होता है, मतलब फिश ऑयल रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है, विटामिन ए एंड डी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड। ओके, सो विटामिन बी ए डी ये सब क्या करते हैं, मे इम्प्रूव बिहेवियर, आई कॉन्टेक्ट, अटेंशन स्पैन एंड लर्निंग इन ऑटिस्टिक पेशेंट, ठीक है। तो ये सारे एरियाज़ को क्या कर सकता है, ये विटामिन्स इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, देन विटामिन सी हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव द डिप्रेशन एंड लेसन द सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स इन पेशेंट विथ ऑटिज्म, ठीक है। विटामिन सी क्या इम्प्रूव करता है, डिप्रेशन, क्योंकि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन क्या रहता है, हमेशा अलूफ रहता है, सैड रहता है, लोनली रहता है ना, तो विटामिन सी मे बी हेल्प। ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट द डाइटरी मॉडिफिकेशन। द नेक्स्ट वी विल से अबाउट दिस साइकोफार्मेकोलॉजी, इन दैट वी विल गिव टू टाइप्स ऑफ ड्रग, फर्स्ट इज एंटीसाइकोटिक्स एंड सेकेंड इज वॉट, स्टिमुलेंट्स। ओके, सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, हियर सम ड्रग्स आर देयर, दैट इज रिस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, क्यूटियापाइन, सो दीज ऑल ड्रग्स में डिक्रीज दी हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, विड्रॉल एंड एग्रेशन इन ऑटिस्टिक पेशेंट, ठीक है। जो भी बच्चा शो करता है ना डिफ़िकल्टीज एंड टेंपर टेंट्रिम, ये सब बिहेवियर को ये एंटीसाइकोटिक क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एंड सम साइड इफेक्ट्स आर देयर दैट यू विल सी। द नेक्स्ट इज स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट्स में अपन क्या दे सकते हैं, मेथाइलफेनिडेट, एम्फेटामाइन, डेक्स्ट्रोम, एम्फेटामाइन, ये सब ड्रग्स क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इम्पल्सिविटी और जो हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर रहता है ना, उसको क्या कर सकता है, कम करता है। ओके, स्टिमुलेंट्स। ओके, द नेक्स्ट इज सम साइड इफेक्ट्स आर देयर दैट यू विल सी, दैट इज सिंपल साइड इफेक्ट्स आर देयर ऑफ दैट मेडिसिन। ओके, सो इन द साइकोफार्मेकोलॉजी वी विल गिव टू टाइप्स ऑफ ड्रग, फर्स्ट इज एंटीसाइकोटिक एंड सेकेंड इज वॉट, स्टिमुलेंट्स। ओके, सो हियर ऑटिज्म इज कम्प्लीटेड। What is autism? It is also known as spectrum disorder, autistic spectrum disorder. The abnormalities in child is there in the three main areas. First is communication, that is social, and third is what? Behavioral skill, okay? और mainly किस में ज़्यादा होता है? Males में होता है as compared to the female, and it is present at about the 18 to 3 years, okay? The next is characteristics we have seen in social skill, communication skill and the behavioral skill. Then next we have see diagnosis criteria, treatment. Here we have seen some therapies, that all therapies are very very important, so you don't have to skip any therapy. Okay, then next is nursing care, then dietary modification, and finally we have seen about the psychopharmacology. Here two drugs are there, first is antipsychotic and second is what, stimulants, and some side effects are there. So here autistic disorder is completed.